जय स्वामीनारायण बाल दोस्तों, आज हम कक्षा चार हिंदी में पढ़ेंगे इकाई नौ। इकाई का नाम है फुलवारी। बाल दोस्तों, आप सब घूमने के लिए तो जाते हो, मुझे भी घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। आप भी कई बार फुलवारी यानी कि बाग बगीचे में घूमने के लिए गए होंगे। वहाँ पे आप लोग जब सुबह सुबह जाते हो, तो दोपहर में जाते हो, तो शाम के टाइम जब जाते हो, तो आप लोगों को अलग अलग प्रवृत्तियां सब करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, और फिर वहां पे खेलने के लिए जो भी सड़क पट्टी के साथ साथ झूला जैसी कई सारी प्रवृत्तियाँ भी आप करते हैं और खेलकूद भी आप करते हैं। तो हम लोग इस फुलवारी यानी कि बगीचों इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं, फुलवारी भी दिखाई दे रही है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फुलवारी। शब्दार्थ देखेंगे, फुलवारी यानी बगीचों। आपको शब्दार्थ भी अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। फुलवारी यानी बगीचों, भौरा यानी भमरो, हरियाली यानी लीलोतरी, सड़क पट्टी लपसनी, सैर करना फरवू, गांव गांव, बूढ़े गरडा, चारों तरफ चारे बाजू, झूला हिंचको, अच्छी सारी। तो अब गुजराती हम पढ़ेंगे। यह सुंदर फुलवारी है, आ सुंदर बगीचो छे। फुलवारी में चारों तरफ हरियाली है। आ बगीचा मां चारे बाजू, चारों ओर एटले चारे बाजू हरियाली है, एटले लीलोतरी छे। उसमें एटले एमा बगीचा मां तरह तरह के फूल के पौधे हैं। तरह तरह एटले विविध प्रकारना फूलों के पौधे हैं, एटले फूलना छोड़ो छे। उसमें एटले बगीचा मां गुलाब एटले गुलाब, चंपा। हम लोग पहले इकाई में गुलाब के फूलों में सीख के आए हैं फूलों के सभी नाम। चंपा यानी चंपो, चमेली यानी चमेली, जूही यानी जूही। जूही के फूल के साथ सब फूल है यहाँ पे। तो ये सब फूल पौधों की शोभा बढ़ा रहे हैं, एटले के छोड़नी शोभा वधारी रहिया छे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित तो होता है। क्यों? तो बगीचे में हम लोग जब फूल देखते हैं, उनकी हंसी देखते हैं, तो फिर हम लोगों में भी शांति छा जाती है कि नहीं? तो यहाँ पे ये गुलाब, चंपा, चमेली, जूही के फूलों की पौधों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये फूल पौधों की शोभा बढ़ा रहे हैं। फुलवारी में तितलियाँ उड़ रही है। फुलवारी में क्या उड़ रही हैं? तितलियाँ।